हेलो फ्रेंड्स, वर्डप्रेस के नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम रिव्यू करेंगे इज़ोइक होस्टिंग के बारे में। सो जैसे कि मेरी वेबसाइट जो है वो इज़ोइक के लिए क्वालिफाइड है। सो यहाँ पे मैंने पाया कि इज़ोइक जो है वेबसाइट को फ्री में होस्ट करता है अगर आपकी वेबसाइट इज़ोइक के लिए क्वालिफाइड हो चुकी है। सो मैं मेरी वेबसाइट्स को दूसरे सर्वर्स पे होस्ट करता था। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इज़ोइक होस्टिंग को ट्राई किया जाए। सो जब मैंने इज़ोइक होस्टिंग को ट्राई किया, सो मैंने पाया कि ये बहुत ही अच्छी होस्टिंग है और वो भी फ्री में अवेलेबल है। सो मेरा जो है 3-4 महीने का एक्सपीरियंस रहा और मैंने कभी भी नहीं पाया कि कभी मेरी वेबसाइट डाउन हुई हो, कभी स्लो डाउन हुई हो। क्योंकि जब भी हम शेयर्ड होस्टिंग यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई भी होस्टिंग कंपनीज हो, सो शेयर होस्टिंग में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द होस्टिंग कंपनीज ये डेटा कभी रिवील नहीं करती कि एक सर्वर पे वो कितनी वेबसाइट को होस्ट कर रही हैं। बट जो इज़ोइक है वो कम्प्लीटली डिस्क्लोज करता है कि वो अपनी होस्टिंग में क्या देता है। सो ये ऑफिशियल पेज है इज़ोइक वर्डप्रेस होस्टिंग। सो यहाँ पे अगर हम बेनिफिट सेक्शन में देखेंगे, सो सबसे पहला है कि क्लाउड बेस्ड मेमोरी है इसमें, क्लाउड बेस्ड सीपीयू कोर्स है। सो क्लाउड बेस्ड होने से ये स्केलेबल है और इसमें एसएसडी स्टोरेज है। पीएचपी 7.4 डिफ़ॉल्ट है और कस्टमाइज भी किया जा सकता है। और इज़ोइक आपकी वेबसाइट को सिक्योर भी रखता है, मालवेयर को DNS लेवल पे ही स्टॉप कर देता है। इज़ोइक डिटेक्ट्स एंड इंक्लूड्स अनसेफ कंटेंट्स, इसमें भी आपकी वो मदद करता है। एंड ये जो है DDoS प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। साइट होस्टिंग विथ इज़ोइक विल आल्सो बेनिफिट फ्रॉम हैविंग द टेक टीम मेंबर्स एंड मॉनिटर यूज़र एक्सपीरियंस मैट्रिक्स रेगुलरली। सो ये सब देखने के बाद मैंने सोचा कि शेयर्ड होस्टिंग पे होस्ट करने से अच्छा है क्यों ना इज़ोइक को ट्राई किया जाए। सो जब मैंने इज़ोइक को ट्राई किया तो मुझे ये होस्टिंग काफ़ी अच्छी लगी। और जैसा कि मैं कोई भी आर्टिकल्स को ओपन करता हूँ मेरी वेबसाइट पे, सो कभी भी ये डिले नहीं होता है और ये काफ़ी अच्छी होस्टिंग है जो कि फ्री में मिल रही है। और मैं कहूँगा कि ये सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है शेयर्ड होस्टिंग का। अगर आपकी वेबसाइट पे उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, सो आप इज़ोइक की होस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं इज़ोइक के डैशबोर्ड पे। जब आप इज़ोइक के डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको सेटिंग पे क्लिक करना है और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में होस्टिंग पे क्लिक करना है। और यहाँ पे मैं माइग्रेशन के बारे में नहीं बताऊँगा कि आप किस तरीके से माइग्रेट कर सकते हैं। आप इसके बारे में वीडियोस देख सकते हैं और आपको इज़ोइक से भी सपोर्ट मिलेगा अगर आपको माइग्रेशन में कुछ इशू है। सो यहाँ पे आपको होस्टिंग में जाना है और फिर आपको क्लिक करना है इज़ोइक होस्टिंग डैशबोर्ड पे। सो यहाँ पे मैनेज क्रेडेंशियल आपको मिलेगा। सो यहाँ पे आपको SFTP, यहाँ पे आपको फाइलज़िला जैसा FTP क्लाइंट आपको यूज़ करना है। और इसका यूज़ करके आपको यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड्स वगैरह मिलते हैं, जिसका यूज़ करके आप जो है अपने सर्वर पे काम कर सकते हैं। कोई प्लगइन आपको अपलोड करना है तो आपको उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाना है और वहाँ पे जिप फाइल अपलोड करनी है प्लगइन्स थीम्स के, तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हमारे डैशबोर्ड से हो जाती हैं, बट आपको बैकएंड का भी सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपकी डेटाबेस क्रेडेंशियल है, आप जो है PHP माई एडमिन भी आता है यहाँ पे और PHP माई एडमिन से आप कनेक्ट हो सकते हैं। सो ये आपको कम्प्लीटली एक होस्टिंग के जैसा नहीं है, जैसा कि ट्रेडिशनल होस्टिंग होती हैं ब्लू होस्ट, होस्टिंगजर, होस्टगेटर का, बट इट इज़ अ मोर देन सफिशियंस टू रन अ वर्डप्रेस वेबसाइट। और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ में काफ़ी अच्छा है क्योंकि मुझे इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इज़ोइक खुद चाहता है कि वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो, क्योंकि इज़ोइक खुद भी मनी अर्न करना चाहता है।
आपकी वेबसाइट से। सो इसलिए इजोइक इतनी अच्छी होस्टिंग प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इजोइक का बेनिफिट इसके अंदर ये है कि जब कोई भी आर्टिकल्स होता है तो उसके एंड में एक एड रन होता है एट द बॉटम ऑफ दिस पेज, इसका जो है रेवेन्यू जो है वो इजोइक के पास में जाता है। बाकी के जितने भी एड्स आपके स्टिकी बार्स में या साइड रेल्स पे या ह्यूमिक्स प्लेटफॉर्म पे या इनसाइड जो दिख रहे हैं, इसका रेवेन्यू आपको जाता है। तो इसलिए इजोइक जो है वो फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करता है अपने यूज़र्स को। सो ये थी इजोइक होस्टिंग रिव्यू, और मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार इसे डेफिनेटली ट्राई करें, ये आपका कॉस्ट कम कर सकता है। जाहिर सी बात है जब आपकी वेबसाइट पे बहुत ही मासिव ट्रैफिक आएगा तो आपको खुद एक डेडिकेटेड सर्वर लेना चाहिए या बहुत ही अच्छी होस्टिंग लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप टेक्निकली उतने साउंड्स नहीं हैं और जो है आप इतना ज़्यादा सिक्योरिटीज़ वर्डप्रेस की जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर आपको नहीं पता है, तो आप इजोइक ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज़ इजोइक जो है वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, और जाहिर सी बात है इजोइक के सर्वर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होंगे। अगर आपकी वेबसाइट को आप खुद मेंटेन करो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, और ऑन द अदर हैंड्स अगर कोई इजोइक जैसी कंपनी अगर आपकी वेबसाइट को होस्ट करती है तो जाहिर सी बात है उनकी एक्सपर्टीज़ का आपको फ़ायदा मिलेगा। सो आप वर्डप्रेस में अगर नए हैं और आपकी वेबसाइट इजोइक के लिए क्वालिफाइड है तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मुझे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आई है जब से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि होस्टिंग कंपनीज़ में एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज जो है वादे बड़े बड़े करती हैं, लेकिन जब आप कोई प्लगइन्स या कुछ थीम्स इंस्टॉल करते हैं तो वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेते हैं और कहते हैं कि ये प्लगइन आप यूज़ नहीं कर सकते, आप ये नहीं यूज़ कर सकते, और बहुत बार तो जो है वो हमारी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाते। सो एक बार आप इजोइक होस्टिंग को ट्राई कीजिए, और ट्राई करने से भी पहले अपनी वेबसाइट का बैकअप रखिए, टाइम टू टाइम अपनी वेबसाइट का बैकअप लीजिए। बैकअप लेने के लिए आप जो है अपड्राफ्ट प्लस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑल इन वन WP माइग्रेशन का आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ मेरे लिए अच्छी हुई है इजोइक में, हो सकता है वो आपके लिए भी अच्छी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमेशा स्मार्ट तरीके से अपनी वेबसाइट का बैकअप लेते रहें। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।